हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को इसके पहली क्लास में जो है सॉल्व करा दिया है। आज की क्लास में हम इसी एक्सरसाइज 7.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। यदि आपने इसके पहले की कोई क्लास नहीं देखी है या आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए जिसमें आपको सारी क्लासें क्रम से मिल जाएं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कोई भी क्लास कर सकते हो जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए गए हैं। चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताया जा रहा है कि यदि बिंदु 1.2, 4.y और 6.3, 3.5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की आप क्वालिटी जान लीजिए। समांतर चतुर्भुज की क्या क्वालिटी होती है, देखिए जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समविभाजित करने का मतलब कि जो विकर्ण ईडी और एसी, मान लीजिए दो विकर्ण हैं, तो दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो सेम होगा, ये क्वालिटी होती है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक्सरसाइज डाल देता हूं। एक्सरसाइज हमारी है कौन सी, एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का नाम दे देता हूं ए बी सी डी। अब जो आपको यहां पर देखिए निर्देशांक दिए गए हैं, आपको दिया गया है 1.2 और बी इसका निर्देशांक दिया गया है 4.y और एक सी दिया गया है जिसका निर्देशांक है 6.x और एक डी बिंदु जिसका निर्देशांक है आपका 3.5, ठीक है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मैंने क्रम से ले लिए हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं विकर्ण खींच देता हूँ। ये आपका ए सी विकर्ण हो गया और ये आपका बी डी विकर्ण हो गया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में जो ये विकर्ण बी डी है इसका जो मध्य बिंदु होगा वही इस विकर्ण ए सी का भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु x1 + x2/2, मध्य बिंदु का ही सूत्र तो होता है x1 + x2/2। x1 के स्थान पर 1, x2 के स्थान पर x/2, y1 के स्थान पर 2 प्लस y2 के स्थान पर 6/2। तो यहां से आपका आ जाएगा 1 + x/2 2 और 6 = 8/2। यह स्क्वायर लिख सकते हो 1 + x/2 2 × 4 = 8, यानी आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ए सी का विकर्ण निकाल लिया जो कि इतना आया, तथा जो विकर्ण का मध्य बिंदु है ना, जो विकर्ण आपका क्या है, ए विकर्ण आपका बी डी है, इसका हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे, है ना, मध्य बिंदु निकाल लेंगे यही सूत्र लगा के। अब देखिए x1 के स्थान पर 4 और x2 के स्थान पर 3 है, तो 4 + 3/2 y1 के स्थान पर y2 के स्थान पर 5 y + 5/2। इस तरीके से आपको 7/2 और y + 5/2 मिल जाएगा। हमने दोनों का मध्य बिंदु निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यह है इसका जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु आपका ए सी का भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी एक क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज है, और ये समांतर चतुर्भुज होने से जो मध्य बिंदु इसका होगा इस विकर्ण का वही मध्य बिंदु इसका होगा, यानी ये जो 1 + x हो जाएगा ये किस 1 + x/2 x अक्ष का निर्देशांक जो इस विकर्ण का होगा वही इसका भी होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तथा यहाँ पर देखिए y अक्ष का मान 4 है और यहाँ पर y अक्ष का मान कितना है, y + 5/2। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु सेम है भैया। मध्य बिंदु सेम होने का मतलब ये है x अक्ष का निर्देशांक x के बराबर होगा, y अक्ष का निर्देशांक y के बराबर होगा। मैंने कर दिया बराबर, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x = 7, 1 उधर जाएगा -1, यानी x = आपको मिल जाएगा 6, ठीक। यहाँ से देखिए इसको हम गुणा करेंगे, y + 5 का गुणा 1 से हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, y = 8, 5 उधर जाएगा -5, y = कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार जो x और y के मान होंगे, x का मान 6 होगा और y का मान 3 होगा। बताइए समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कठिन नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, बस इधर
डेली क्लास कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बताया जा रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जैसे ये वृत्त है आपका, तो वृत्त में जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र, जो व्यास वाली रेखा होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अब इसमें बोला जा रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। तो ये मैंने ए बी वृत्त का व्यास बना लिया, ये मैंने सेंटर बना लिया, ठीक है, यानी आपका केंद्र हो गया। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है। केंद्र के निर्देशांक 2, -3 है। और यहाँ पर दिया गया है बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 1, 4 दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई, बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, ये अगर वृत्त का केंद्र होगा तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? जब ये वृत्त की त्रिज्या होगी तो आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और अगर ये दूरी इस दूरी के बराबर, इसका मतलब सीधी सी बात, वृत्त का केंद्र क्या है, इस ए बी व्यास का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। और अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दीजिए। देखिए अगर अभी आप यहाँ पर मध्य बिंदु निकालते, इसका निर्देशांक आपको नहीं पता, इसका निर्देशांक मान लीजिए x1, y1, तो लिख लीजिए माना बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, यही तो हमें निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो x1, y1 है। कितना है भाई, x1, y1 है। प्रश्नानुसार ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या, मध्य बिंदु का सूत्र है ना, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x=x1+x2/2 और y=y1+y2/2, यही तो होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जो x का मान है वो आपका 2 है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। मान रख दीजिए आपको अभी यहाँ पर x1 y1 का मान पता चल जाएगा, और x1 y1 क्या है, आपका बिंदु ए का निर्देशांक है। एक्स के स्थान पर आप रखोगे 2 और वाई के स्थान पर -3, तो ये आपका हो गया 2 = x1 के स्थान पर, भाई x1 है, वाई लोगों नहीं पता है, x2 के स्थान पर आपका 1 है, रख दीजिए, और बटे में आपका 2 हो जाएगा। y के स्थान पर -3 है, रख दीजिए, y1 के स्थान पर आपको पता नहीं है, और y2 की वैल्यू आपकी 4 दी गई, उसको लिख दीजिए, बटे में 2 तक कर दीजिए। इसके नीचे 1 मानिए, कैंची गुड़ा कीजिए, x1+1 का गुड़ा 1 हो जाएगा, यही रहेगा, और 2 आपका 4 हो जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 4 से 1 उधर कैंसिल होगा, तो ये आपका 3 बच जाएगा। और यहाँ से अगर आप कैंची गुड़ा करोगे और गुड़ा करोगे तो ये y1+4 का मतलब इसका गुड़ा 1 से हो जाएगा, तो इतना ही रहेगा, और ये 3 दोनों माइनस का 6 हो जाएगा। तो y1 = देखिए -6 और 4 उधर जाएगा -4, y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -10। इस प्रकार देखिए x1 की वैल्यू आ गई, आपकी y1 की वैल्यू आ गई, x1 y1 ही क्या है, बिंदु A के निर्देशांक है, यानी बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, A का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा, बिंदु A का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 3, -10 हो जाएगा। बताइए आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज के क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 होगा, है ना। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्नों में कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा आप समझोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे, सब मैथमेटिक्स आपको सरल लगने लगेगी। देखिए भाई अगला हमारा क्वेश्चन होगा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है यदि ए और बी क्रमशः निर्देशांक दिया -2, -2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर एक संबंध दिया गया है AP = 3/7 AB, तो पी रेखाखंड AB पर अगर स्थित हो, ध्यान दीजिए एक रेखाखंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, एक रेखाखंड आपका AB है, है ना, एक रेखाखंड आपका AB है। अब बिंदु ए का निर्देशांक आपको दिया गया है, बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, -2, -2, और बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 2, -4, और एक बिंदु पी यहाँ पर कहीं पर स्थित है, ठीक है। इस बिंदु पी के तुम्हें निर्देशांक निकालने हैं, तो मैं मान लेता हूँ, माना बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के नहीं, बिंदु पी का होगा, एक बिंदु है ना, का निर्देशांक x, y है, ठीक। अगर हमें इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक रेखाखंड दिया जाए, उसके दो बिंदु दिए जाएं,
और आपको ये एक अनुपात दिया जाए कि एक बिंदु उस रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है आंतरिक रूप से, तो आप उस बिंदु के क्या निकाल सकते हो निर्देशांक। तो यहाँ पर अभी अनुपात नहीं पता, लेकिन एक छोटा सा रिलेशन दिया गया है। रिलेशन ये दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि एपी तथा, यहाँ पर लिखेंगे तथा, एपी बराबर आपको दिया गया 3/7, कितना दिया गया है एबी, मतलब सीधी सी बात है तो ये आपका हो जाएगा एपी और बटे में एबी बराबर 3/7। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एपी और एबी का अनुपात कितना है 3/7 है कि नहीं है बताइए। अब यहाँ पर देखिए, आपको रेशियो चाहिए एपी और पीबी का। एपी की वैल्यू अगर देखें तो एपी की वैल्यू 3 है और एबी ये टोटल वैल्यू आपकी भैया 7 है। समझो थोड़ा बात, ये पूरा रेखाखंड 7 है और ये एपी 3 है, तो ये कितना बचेगा पीबी, तो पीबी आपका हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे पीबी का अगर मान निकालेंगे तब, पीबी का अगर मान निकालेंगे तो अगर हम इस एबी से, एबी टोटल कितना है 7, एबी से अगर हम इस पीए को माइनस कर दें या एपी को माइनस कर दें तो हमें भैया ये पीबी पता चल जाएगा। तो हम पीबी निकालेंगे, एबी की वैल्यू 7 और एपी की वैल्यू 3, यानी आपको मिल जाएगी 4। तब जो ये रेशियो होगा, ठीक है, तब जो ये रेशियो होगा एपी और पीबी का, ठीक है, एपी बटे पीबी का जो रेशियो हो जाएगा, एपी की वैल्यू 3 है और पीबी की वैल्यू कितनी 4। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो बिंदु पी है वो इस रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आपको अनुपात भी पता है, x1 y1 x2 y2 भी पता है, तो आप जानते हो कोई बिंदु जो रेखाखंड को यदि आंतरिक रूप से m1:m2 में विभाजित करता है तो निर्देशांक क्या होते हैं। तो लिखेंगे बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक, तो बिंदु पी का निर्देशांक आपने एक्स माना, एक्स बराबर सूत्र लगा दीजिए m1 x2 + m2 x1 और बटे में ये हो जाएगा m1 + m2, और y बराबर सूत्र लगा दीजिए m1 y2 + m2 y1 और बटे में कितना हो जाएगा m1 + m2। बताइए बात समझ आ रही ना। चलिए वैल्यू रख देते हैं, ये x बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 3, 3:4 आया है 3, और गुड़े x2 की वैल्यू आपकी 2 है प्लस m2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -2 है और बटे में m1 + m2 यानी 3+4। y की वैल्यू आपको पता नहीं, y की वैल्यू तो निकालना है, m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो y1 की वैल्यू -2 और बटे में m1 + m2 यानी 3+4। इसको हल कर लेंगे, x बराबर 3 × 6 4 × 8 बटे में 4 × 3 = 7, y बराबर 4 × 3 − 12 और 4 × 2 − 8 बटे में 4 × 3 = 7, यानी x बराबर आपको मिल जाएगा -2/7 और y बराबर आपको मिल जाएगा -20/7। निर्देशांक कितना हो जाएगा आप बताइए, निर्देशांक जो बिंदु P का हो जाएगा x − 2/7 − 20/7, ये आपका भैया निर्देशांक हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए इस सवाल को हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बता देंगे। एक आपका रेखाखंड है ए बी, ठीक है, एक रेखाखंड ए बी है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये आपका ए बी रेखाखंड है। इस ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है? 4 बराबर भागों में बांटना है। तो मान लीजिए कि माना पी क्यू आर बिंदु रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। कहाँ बांटते हैं भाई? 4 बराबर भागों में बांटते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये 4 बराबर भागों में बांटते हैं। एक बिंदु P है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है। ये 3 बिंदु हैं इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट दिए। बताइए बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? बांट रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है बिंदु P का निर्देशांक। तब बिंदु
पी का निर्देशांक, मैं एक निर्देशांक निकाल के बताऊंगा, बाकी तुम खुद निकाल लोगे। जैसे तुम्हें बिंदु पी का निर्देशांक निकालना है, तो आपको पता है कि अगर एक रेखाखंड के दो बिंदु पता हो और ये पता हो कि एक बिंदु जो है उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालना आसान है। तो अगर हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालना है, तो मैं देख रहा हूँ बिंदु P से रेखाखंड को एक अनुपात, इधर देखिए कितने खाने, एक दो तीन, एक अनुपात तीन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर Q की बात करें तो इधर से दो यानी दो अनुपात दो में विभाजित करेगा, कौन, Q। और अगर R की बात करें तो आगे से तीन यानी तीन अनुपात एक हो जाएगा। तो अगर आपको बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो अनुपात लेना है एक अनुपात तीन, और अगर Q बिंदु लेना है तो अनुपात लेना है दो अनुपात दो, या दो अनुपात दो को एक अनुपात एक भी लिख सकते हो, समझ रहे हैं मेरी बात। और अगर आपको R बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो अनुपात लेना तीन अनुपात एक, और इस तरीके से आपको बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेना। जैसे हम बिंदु P का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, तो x बराबर सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस का m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर आपको मिल जाएगा m1, m1 के लिए यहाँ पर एक है, x2, अब देखिए बिंदु भी आपको दो पता है, इसमें बिंदु दिए गए हैं वो लिख लेते हैं, हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। बिंदु है आपका A जिसका निर्देशांक माइनस दो कामा माइनस दो है, ठीक है, और बिंदु B है दो कामा आठ। अब ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पता हो गया आपको, है ना। देखिए यहाँ पर एक्स टू के लिए दो है, और एम टू, एम टू के लिए यहाँ पर तीन है, और एक्स वन की वैल्यू माइनस का दो है, और बटे में आपका देखिए अनुपात है आपका एक अनुपात तीन यानी एक प्लस तीन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी दो और माइनस छः, बटे में तीन एक चार यानी माइनस चार बटे चार, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक। इसी तरीके से आप यहां पर y की वैल्यू फाइंड करोगे, थोड़ा सा इधर हल करके बताते हैं। तो y बराबर सूत्र होता है m2 y1 प्लस का m1 y2, है ना, और बटे में m1 प्लस m2। तो देखिए y बराबर m2 की अगर बात करें तो m2 की वैल्यू 3 है, और गुणे y1 की अगर बात करें तो माइनस दो है, m2 की बात करें सॉरी m1 की बात करें तो 1 है, और y2 की बात करें तो 8 है, अपान में m1 प्लस m2 यानी 1 अनुपात 3 है, तो 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 3 यानी माइनस 6, और 8 एक कम ये 8 और बटे में 4, ये आपका आ जाएगा माइनस 6 प्लस 8 यानी 2 बटे 4 यानी ये आपका आ जाएगा 1 बटे 2। इस तरीके से हमने बिंदु P के लिए x और y का मान निकाल लिया, तो जो बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा x की वैल्यू आई माइनस एक और y की वैल्यू एक बटे दो, तो इस तरीके से बिंदु P का निर्देशांक आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप बिंदु Q का निर्देशांक निकालोगे, बस अनुपात चेंज कर दोगे, दो अनुपात दो या एक अनुपात एक लिख सकते हो। और अगर R बिंदु के निर्देशांक निकालने तो अनुपात आपका हो जाएगा तीन अनुपात एक, क्योंकि इधर से तीन भाग है फिर एक है, तो तीन अनुपात एक का अनुपात हो जाएगा जब ये बिंदु R इस रेखाखंड को क्या करेगा, विभाजित करेगा, किस बिंदु किस अनुपात में, तीन अनुपात एक के अनुपात में। इस तरीके से आप Q बिंदु का R बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिएगा, अनुपात मैंने बता ही दिया, अब आपको यही सूत्र लगा के निकाल लेना है। चलिए रब करें भाई, अब चलिए हमारी इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को भाई ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, देखिए एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं ए बी सी डी, ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया है, और यहां पर ये इसका हो गया विकर्ण, ठीक। समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं तीन कामा जीरो और चार कामा पांच और माइनस एक कामा चार, और अगला शीर्ष दिया गया है माइनस दो कामा माइनस एक। ये आपको समचतुर्भुज के चार शीर्ष दिए गए हैं, बताया ये जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए भैया मैं आपको बता दूं कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणे विकर्णों का गुणनफल, यहाँ पर विकर्ण आपका AC है और दूसरा विकर्ण आपका BD है, तो इनका गुणनफल होता है एक बटे दो। AC अगर आपको AC की बीच की दूरी निकालना है यानी AC का मान निकालना है, तो वही सूत्र लगाओगे अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, यानी तीन से आपका एक जाएगा तो ये तीन प्लस एक इसका स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू यानी जीरो माइनस चार का स्क्वायर, इस तरीके से AC आ गया। इनटू में अंडर रूट किसका मान निकालेंगे हम, BD नहीं मतलब BD का मान निकालेंगे, BD विकर्ण की दूरी निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए चार से दो जाएगा यानी चार प्लस दो हो जाएगा, माइनस का है ना माइनस सूत्र वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाई वन माइनस वाई टू यानी पाँच प्लस एक इसका स्क्वायर कर लेंगे,
अब इस तरीके से 1/2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 × 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये -4 का स्क्वायर ये भी 16 हो जाएगा, इन टू में अंडर रूट 4 × 2 = 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 × 1 = 6, 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 32 को आप लिख सकते हो, ये ऐसा लिख सकते हो, देखिए 4√2 लिख सकते हो, 4√2 क्यों लिख सकते हो, 16 × 32 लिख सकते हो, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, 2 अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा 6√2, ठीक है। आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, और देखिए संख्या संख्या का गुणा हो जाएगा, 4 और 6 का गुणा 24 हो जाएगा, √2 √2 का गुणा आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 24 वर्ग इकाई आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग इकाई आ जाएगा। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 24 वर्ग इकाई भाई आपका आ जाएगा। आज की क्लास में मैंने आपको क्या किया, जो ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 था, इसकी एक्सरसाइज 7.2 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों को हल कराऊंगा, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताया जाएगा आपको, 3 बिंदु संरेखीय हैं तो क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में से अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।